Jiggy Robotex. एक्सरसाइज 2.1 है, उसका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड में कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। यानी कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आपको इनका स्क्वायर या क्यूब प्रूव नहीं करना है। तो कल अपन ने जो एग्जांपल किया था फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें अपन ने पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव किया था और पॉजिटिव जो इवन और ऑड प्रूव किया था। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप इसको BQ+R के फॉर्मेट से इसको प्रूव करोगे। तो कल वाले क्वेश्चन की तरह आप क्या लिखोगे इसमें कि लेट A इज A पॉजिटिव इंटीजर, A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, यानी ये 6 किसकी जगह है, B की जगह है, क्योंकि BQ+R होता है एंड B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये 6 लोगे आप। जब B की वैल्यू 6 लेते हो तो A इज इक्वल टू BQ+R, ये कौन सा है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो इस मेथड से आप क्या लिख सकते हो, A इज इक्वल टू BQ+R लिख सकते हो, यानी A बराबर BQ+R। तो यहां पर जो R की वैल्यू है, ये R है वो B से तो क्या होता है, लेस देन होता है, और जीरो से ग्रेटर देन और उसके इक्वल टू होता है। तो यहां पर अपन ने B क्या लिया है, 6 लिया है। इसका मतलब R की वैल्यू है वो क्या क्या पुट कर सकते हो आप, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आप पुट कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करके और अपने को रिजल्ट निकाल, यानी यहाँ पे आप क्या क्या पुट कर सकते हो कि पुटिंग R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि B यहाँ पे 6 है तो B से तो ये क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। तो R की अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 0, 1, 2, 3 रखने पर ये 6 केस बनेंगे यहाँ पे। तो इन 6 को अपन लिख देते हैं कि कौन सा इवन होगा इसमें से, कौन सा ऑड होगा, वो अपन निकालेंगे रिजल्ट तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट के अंदर जब R की वैल्यू आप 0 पुट करते हो, R इज इक्वल टू 0, R की वैल्यू 0 पुट करते हो तो A क्या होता है, ये BQ+R में पुट करोगे, B तो अपने पास 6 ही है, तो ये 6Q+0, यानी ये क्या आ गया है, 6Q आ गया। और 6Q को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3Q, या आपने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो ये 3Q को आप इस तरह लिख सकते हो, 2 × में ये 3Q क्या बना सकते हो आप यहाँ पे, जैसे इसको आपने अम बोल दिया। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया है, 2m की फॉर्म में आ गया है, यानी 2 का जो मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रहा है या जो 2 का गुणज है या 2 का जो मल्टीपल है, तो वो हमेशा ही क्या होता है, इवन होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है एग्जांपल नंबर सेकंड के अंदर कि जो इवन पॉजिटिव है वो हमेशा ही 2q के फॉर्म में होता है, या आप उसको m के फॉर्म में लिखो तो 2m की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये 2m यानी ये क्या आ गया है, इवन आ गया है, और इस m की जगह आप क्या लिख दो, इसको आप आगे ब्रैकेट में लिख दो, ये क्या है, इवन है। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3q है। तो फर्स्ट केस में जब आपने R की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या है, इवन आया है। अब अपन ले लेते हैं सेकंड केस। तो केस सेकंड के अंदर अपन R की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, A इज इक्वल टू B की जगह तो 6Q है, तो 6Q+1 हो गया है। अब आप यहाँ पे 6Q को आप किस तरह लिख सकते हो, 2 × 3Q+1। अब इस 3Q को आप यहां पे इसको m बोल सकते हो, तो ये क्या हो गया, 2m+1।
और 2m+1 या 2q+1 आप क्या जानते हो इसके बारे में? ये फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर अपने इसको किया था कि 2m+1 या 2q+1 क्या होता है, ओड नंबर होता है, क्योंकि इवन के अंदर ये 2m इवन है, इवन में आप 1 ऐड कर रहे हो तो ये क्या है, ये ओड हो गया। तो 6q+1 क्या है, ओड हो गया। और यहाँ पर m किसकी जगह लिखा है अपन ने, m की वैल्यू क्या है 3q है यहाँ पर भी। तो ये सेकंड केस में क्या आ गया है, इवन आ गया है। सेकंड केस में क्या आ गया, ये ओड आ गया है। अब अपन लेते हैं केस थर्ड। तो थर्ड केस के अंदर r की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, यानी r इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6q+2 हो गई है। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, ये 3q+2 में 2 का डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया, 1। यानी इसको आप ये लिख सकते हो 2m। तो ये पूरा ब्रैकेट है, ये इसको मैंने m मान लिया है, तो यहाँ पर ये 2m की फॉर्म में आ गया। तो ये 2m की फॉर्म में कौन होता है, ये इवन होता है। यानी आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, वेहर m इज इक्वल टू, m किसकी जगह है, ये 3q+1 की जगह है। तो ये हो गया इवन, ये वाला फर्स्ट वाला इवन, सेकंड वाला ओड, थर्ड वाला इवन हो गया। अब केस अपन फोर्थ की बात करिए, यानी सेम पैटर्न चलता रहेगा, बस आर की वैल्यू जो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आपको यहां पर पुट करनी है। तो केस फोर्थ के अंदर जब आर की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ए क्या बन जाएगा, 6q+3 बन जाएगा। अब यहां से इस 6q को आप वापिस अरेंजमेंट सेकेंड केस की तरह कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 3q से और आगे प्लस का ये क्या है, 3 है। अब इसको आपको जैसे 2q+1 या 2m+1 की फॉर्म में बनाना है, तो इसमें तो ये 2 हो गया लेकिन लास्ट में जो 3 आ रहा है, तो इसको आप इस तरह अरेंज कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3q का ये ट्वाइस है, प्लस इस 3 को आप लिख दीजिए 2+1। अब इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन 2 आ गया है, तो अपने पास क्या बचेगा, ये 3q+ आगे ये 2 कॉमन आ गया तो 1 और लास्ट वाला ये 1 है। यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ट्वाइस हो रहा है इसका, तो इसको आप लिख दीजिएगा 2m+1। और यहाँ पे आपने m की जगह क्या लिया है, 3q+1 लिया है, तो 2m+1 क्या होगा, ये ओड होगा। यहाँ पे आपने ये 3 को 2+1 में तोड़ दिया है, तो इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, तो यहाँ बच गया 3q+2 कॉमन आ गया तो ये 1 और लास्ट वाला ये 1 है। अब इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे, m, तो ये 2m+1 और m की जगह क्या है 3q+1, तो 2m+1 की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, ओड होती है। अब नेक्स्ट केस फिफ्थ के अंदर, केस फिफ्थ में r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4, तो r इज इक्वल टू 4 आप पुट करोगे तो a क्या आ जाएगा, 6q+4। अब यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन आ ही रहा है, तो 2 कॉमन लेने पर ये 3q+4 में से कॉमन आ गया तो ये 2, तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया है, 2m की फॉर्म में हो गया है। तो यहाँ पर 2m क्या है, ये इवन है, तो m की जगह क्या है, ये 3q+2 है, तो ये m की जगह है। ये केस हो गया फिफ्थ। अब इसका जो लास्ट केस बचा है, केस सिक्स, तो इसमें r की वैल्यू अपने को क्या पुट करनी है, लास्ट 5 पुट करनी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 6q+5। अब आप 6q तो ऐसे लिख सकते हो, 2 × 3q लिख दिया। अब 5 को आप 2 कॉमन ले, इस हिसाब से इसको दो टुकड़ों में आप कीजिए, इसको मैंने लिख दिया 4+1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3q+4 से 2 कॉमन आ गया तो बच गया 2 और आगे प्लस का क्या है, 1। और 3q+2 को आप क्या लिख दीजिएगा, 2m+1। और यहाँ पे जो m है वो किसकी जगह आया है, 3q+1 की जगह आया है, और 2m+1 क्या है, ओड है।
तो आपने यहां पर देखा कि केस जो अपने पास ये छह मणि है, इसमें से दूसरा केस ये क्या है, ओड है। दूसरे के बाद में जो चौथा केस है, चौथे में भी क्या है, ये ओड आया है। और उसके बाद में जो लास्ट केस है, सिक्स्थ केस, और इसमें भी क्या है, ये ओड आया है। तो केस सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आप क्या लिख सकते हो कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। यानी ये जो सेम लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको कॉपी कर देनी है। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। जब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। कौन कौन से केस है, केस सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो ये थे एक्सरसाइज 2.1। तो आज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब एक ही एक्सरसाइज बची हुई है इसकी, जो एक्सरसाइज है 2.3, जिसमें अपने को इरेशनल प्रूव करना है। वो सारे नंबर इरेशनल दिए गए हैं, रूट टू, रूट थ्री, तो वो अपने को इरेशनल प्रूव करने हैं। तो वो अपन लेंगे कल की क्लास। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।